हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। सबके अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। सिंह के बेटे चरणजीत सिंह को पाकिस्तान में कैद कर लिया गया है। गदर 2 का क्लाइमेक्स होगा अब तक का सबसे खतरनाक क्लाइमेक्स। मेकर्स ने 40 दिन तक शूट किया है फिल्म का क्लाइमेक्स। आजकल हम बॉलीवुड में देख रहे हैं, जहाँ पर 3 घंटे की फिल्म आती है और बड़े बड़े एक्टर 1 महीने या फिर 2 महीने में फिल्म का पूरा शूट खत्म कर लेते हैं और 1 साल में 3-4 फिल्में करके फैंस को निराश भी करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो फिल्म के शूट पर ध्यान ना दिया जाए और 1-1 महीने में पूरी फिल्म की शूटिंग कर दी जाए तो वो फिल्म खास नहीं बनेगी। वो फिल्म में वो जान नहीं दिखेगी जिसकी वजह से फैंस फिल्म से कनेक्ट होते हैं। उसका रिसेंट एग्जाम्पल है अक्षय कुमार की फिल्में। इन दिनों अक्षय कुमार की फिल्मों में से कहीं न कहीं सोल मिसिंग होती जा रही है। उनकी फिल्मों से हम को कनेक्शन नहीं कर पा रहे जो कि उनकी हम पहली फिल्मों में करते थे। लेकिन गदर 2 एक ऐसी स्पेशल फिल्म है जिनमें मेकर्स ने बहुत ही एफर्ट डाला है। मेकर्स के अलावा ये फिल्म की जो स्टार कास्ट है उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की है। इतनी मेहनत की है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होना भी डिजर्व करती है, जिसको हमने सोशल मीडिया पर कई सारे वीडियो के जरिए भी देखा है, जहाँ पर फिल्म की कास्ट बहुत ही मेहनत करती हुई नजर आती थी। इतना ही नहीं बल्कि ये फिल्म ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है, वो भी रिलीज से पहले। जी हाँ, ये फिल्म का क्लाइमेक्स बॉलीवुड में अब तक का सबसे लंबा शूट किया जाने वाला क्लाइमेक्स बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म के क्लाइमेक्स में 40 दिन लगाए गए हैं, वो भी रात दिन शूट करने में। और अभी तक बॉलीवुड में किसी फिल्म का इतना लंबा क्लाइमेक्स शूट नहीं हुआ, यानी कि मेकर्स ने ये फिल्म के क्लाइमेक्स के पीछे 40 दिन लगा दिए हैं। हालांकि ये फिल्म का क्लाइमेक्स सिर्फ 20 मिनट का होगा, यानी कि 20 मिनट के शूट करने में गदर 2 की पूरी टीम ने 40 दिन लगाए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये फिल्म का क्लाइमेक्स किस लेवल पर शूट किया गया होगा। और वैसे भी फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा है, और अनिल शर्मा के डायरेक्शन का तो क्या ही कहना। उन्होंने जितनी भी फिल्मों को डायरेक्शन दिया है वो बहुत ही अच्छी फिल्में होती है, तो गदर 2 फिल्म भी अच्छी होगी इसमें कोई शक नहीं है। वैसे भी ये फिल्मों को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि ये गदर का सिक्वल है। गदर फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, तो हर कोई जानना चाहता होगा गदर के बाद आगे स्टोरी कैसे मूव ऑन करती है। यही हमें ये फिल्म में देखने को मिलेगा, और शायद यही वजह है कि ये फिल्म का टाइटल भी गदर 2 द कंटिन्यू कथा रखा गया है, यानी कि ये फिल्म में हमें गदर के बाद क्या होता है वो देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड है गदर 2 फिल्मों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये न्यूज़ पसंद आई है तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए फिल्मी जासूस को जरूर सब्सक्राइब करें।